दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको कनाडा का पीआर मिलता है तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिन लोगों को इन बेनिफिट्स के बारे में पता है वो दुनिया भर के सभी देशों को छोड़कर सिर्फ कनाडा की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और कनाडा माइग्रेट करने की सोचते हैं दोस्तों, कनाडा का पीआर पाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें इन बेनिफिट्स के बारे में पता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आपको एक बार कनाडा का पीआर मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको जो है कनाडा का पीआर ले लेना चाहिए जल्द से जल्द, और क्यों आपको दूसरी कंट्रीज को छोड़कर कनाडा की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि अगर आपको एक बार पीआर मिल जाता है तो आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आप अपना पीआर खो ना दो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि अगर एक बार आपको पीआर मिल गया तो वो जिंदगी भर के लिए आपका हो गया। दोस्तों, अगर आप कुछ गलतियां करेंगे तो आपका वो पीआर जो है आप लूज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। हम अपने चैनल पे देते हैं दोस्तों आपको जानकारी दुनिया भर में अवेलेबल जॉब्स के बारे में और दुनिया भर में माइग्रेट करने की जानकारी देते हैं दोस्तों, कि कैसे आप भी इंडिया से बाहर निकल करके लाखों रुपए की सैलरी कमा सकते हैं और अपने फैमिली का सपना पूरा कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कनाडा के पीआर पाने के बेनिफिट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप कनाडा का पीआर पाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कनाडा में बहुत सारे ऐसे इमिग्रेशन प्लान्स हैं, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स चल रहे हैं दोस्तों, जिनके जरिए जो है आप कनाडा का पीआर पा सकते हैं। नए नए तरीके खोजता है कनाडा कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है अपनी कंट्री में बुला करके पीआर दे दे, जस्ट बिकॉज कनाडा के कुछ सेक्टर्स में जो है लेबर शॉर्टेज पड़ी हुई है दोस्तों, जिसकी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ये प्रोग्राम चालू कर रही है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं दोस्तों। शुरुआत अगर मैं करूं तो आपको जो है अगर एक बार पीआर मिल जाता है दोस्तों तो आप कनाडा में कहीं भी और किसी के लिए भी काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप वर्क वीजा की तरह बिल्कुल भी बाउंड नहीं होते हो दोस्तों, कि अगर आप वर्क वीजा लेकर के वहां जा रहे हो तो आपको सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करना है जिसके अंडर आपने वर्क वीजा लिया है। अगर आप एक बार पीआर ले लेते हैं दोस्तों तो आप पीआर लेकर के पूरी कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं दोस्तों, और आप किसी भी प्रोविंस में मूव कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास पीआर है तो। जी हां दोस्तों, ये तो बस मैंने आपको पहला फायदा बताया दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फायदे आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। दूसरा फायदा जो होने वाला है दोस्तों, अगर आप कनाडा का पीआर ले लेते हैं तो आप जो है अपने कनाडा के पीआर को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं दोस्तों अनलिमिटेड टाइम्स के लिए। जी हां, आप अपने कनाडा का पीआर जो है हर 5 साल में रिन्यू कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है दोस्तों। अगर आप 5 सालों के बाद जो है अपना पीआर एक्सटेंड करना चाहते हो या रिन्यू करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको जो है उन 5 सालों में कम से कम 730 दिनों के लिए जो है कनाडा में होना चाहिए। मतलब आप अगर 730 दिनों के लिए कनाडा में रहते हैं 5 सालों के अंदर, तभी आप जो है अपने पीआर को एक्सटेंड कर सकते हैं, वरना आप अपना पीआर लूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब ये मैंडेटरी सा है, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको जो है उन 5 सालों के दौरान लगातार 730 दिनों के लिए कनाडा में रहना होता है। आप ब्रेक ले लेकर के कनाडा से इंडिया, इंडिया से कनाडा जाकर के भी 730 दिन पूरे अगर कर लेते हैं दोस्तों, 730 दिनों के लिए अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप 5 सालों के बाद अपना जो है कनाडा का पीआर रिन्यू करवा सकते हैं, एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद जिस बेनिफिट के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो है फ्री एजुकेशन। जी हां, अगर आपको एक बार कनाडा का पीआर मिल जाता है तो आपको अपनी फैमिली के लिए फ्री एजुकेशन मिलेगा, अपने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन मिलेगा दोस्तों। 12th क्लास तक या फिर 18 साल की उम्र तक जो है दोस्तों आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ाइए, किसी भी स्कूल में पढ़ाइए, आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी दोस्तों। आपको पैसों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, यह सबसे बड़ा फायदा है, और वो भी उन लोगों के लिए जो कि इंडिया से वहां जा रहे हैं भैया, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन के स्तर इतना नीचे गिर चुका है। एक तो आप पैसे भी भर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में आपको इतने इतने पैसे भरने पड़ते हैं दोस्तों, उसके बावजूद जो है बच्चे गलत संगत में आकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ना सही ढंग से कुछ सीख पा रहे हैं, ना सही ढंग से कुछ बता पा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, ये चीज आपको कनाडा में देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप जो है शुरुआती दौर में ही, मतलब अपनी शादी वादी के बाद बच्चे बच्चे जब हो जाते हैं, शुरुआती दौर में ही कनाडा निकल जाते हो दोस्तों, तो आप अपने बच्चों को एकदम टॉप क्लास की एजुकेशन दे सकते हो, वो भी फ्री में। 12th क्लास तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी दोस्तों, उसके बाद जो है आपको बहुत ही कम दाम में जो है आप यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करवा सकते हैं अपने बच्चों को। सबसे बड़ा फायदा है मेरे हिसाब से, मेरे नजर से दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो आपको फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको जो है हर तरीके का हेल्थ केयर बेनिफिट मिलने वाला है। आप भले ही किसी भी प्रोविंस में रहते हैं कनाडा के, आपको जो है किसी भी टाइप का कोई पैसा नहीं देना होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप के हेल्थ बेनिफिट्स देता है। अगर वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देता है दोस्तों, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो फ्री हेल्थ बेनिफिट्स आपको देती है
उन सभी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आपको मिल जाता है कनाडा का पीआर। अगर आप कनाडा के वर्क वीजा पे वहां पर काम कर रहे हैं दोस्तों, वर्क परमिट लेकर के वहां काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा का पीआर ले लेते हैं दोस्तों, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी तो मैंने बस चार बेनिफिट्स बताए दोस्तों आपको, अभी मैं और आपको चार बेनिफिट बताने वाला हूं, जिन चार बेनिफिट सुनने के बाद जो है आपको भी मन करेगा कि आप भी कनाडा का पीआर ले लें। तो दोस्तों ये चार बेनिफिट्स तो हो गए, अब मैं पांचवें बेनिफिट की बात करता हूं कि अगर आपको कनाडा का पीआर मिलता है तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि वो आकर के कनाडा में पढ़ाई करें, स्टडी करें, वर्क करें, या फिर कुछ भी जो भी मतलब वो करना चाहते हैं वो आकर के कर सकते हैं, आपके साथ कनाडा जाकर के सेटल हो सकते हैं दोस्तों। और आपका मतलब सपना होता ही क्या है, आपका यही सपना होता है या तो मैं जाकर के पैसे कमाऊं, या तो मैं अपनी फैमिली को उठा करके इंडिया से बाहर ले जाऊं और एक किसी अच्छे देश में सेटल हो जाऊं, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करवाऊं अपने बच्चों की और मतलब अच्छी जिंदगी जीऊं। आपके पास ये मौका है दोस्तों, आपको मिल सकता है कनाडा का पीआर। जॉब्स के लिए अप्लाई करो और कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई करना चालू कर दो दोस्तों। अब मैं आपको छठे बेनिफिट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। छठा बेनिफिट है दोस्तों कि आपको मिल सकता है सिटीजनशिप। जी हां, सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंट अलग चीज होती है। एक परमानेंट रेजिडेंट के बाद जो है सिटीजनशिप वाला पड़ाव आता है दोस्तों। अगर एक बार आप जो है कनाडा के सिटीजन बन जाते हैं दोस्तों, तो आपके आपके सामने और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ओपन हो जाएंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जो चीजें परमानेंट रेजिडेंट वालों को नहीं मिलती है दोस्तों, वो बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं अगर आप सिटीजन बन जाते हैं दोस्तों। अगर आप वहां का सिटीजन बन जाते हैं, अगर आप वहां की सिटीजनशिप गेन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा, जिस पासपोर्ट के जरिए जो है आप 185 कंट्रीज में जो है 185 जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल कनाडा का पासपोर्ट होता है दोस्तों, आप 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वीजा वगैरह का झंझट नहीं लेना होगा दोस्तों। जैसे आपको इंडिया से बाहर निकलना होता है तो आपको हर कंट्री के लिए वीजा लेना पड़ता है, कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको वीजा नहीं लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं दोस्तों जिसके लिए आपको वीजा वगैरह का चक्कर लेना पड़ता है अपने माथे पे, क्योंकि इंडिया का पासपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन वहीं कनाडा की बात करें तो दोस्तों आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाएगा, आप कनाडा के सिटीजन बन जाएंगे तो आपको वहां पर वोट वगैरह करने का भी अधिकार मिल जाता है दोस्तों, और बहुत सारे आपके लिए जो है ऑप्शंस खुल जाते हैं, डोर्स खुल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे पीआर रिन्यू करने के लिए आपको 730 दिन रहना पड़ता है 5 सालों के बीच में, वैसे दोस्तों आपको पीआर को सिटीजनशिप में बदलने के लिए आपको 5 सालों के दौरान जो है 1095 दिनों के लिए वहां रहना पड़ता है, करीब करीब 1100 दिन अगर आप वहां रहते हैं दोस्तों, यानी कि 3 साल आपको जो है कनाडा में रहना होता है तभी आपको जो है दोस्तों कनाडा की सिटीजनशिप मिलेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। इसके बाद अगर बात करें दूसरे बेनिफिट्स की दोस्तों, तो अगर आप एक बार कनाडा का पीआर ले लेते हैं तो आपको पीआर के बाद जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं दोस्तों, साथ ही दोस्तों आपको पेंशन रिलेटेड बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिन बेनिफिट्स के जरिए जो है बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो दोस्तों। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आजकल आपको आकर के बोलता हूं कि जल्दी से जल्दी कनाडा का पीआर ले लो, जल्दी से जल्दी जो है आपको जो भी मौका मिलता है कनाडा जाने का उस मौके को ग्रैब कर लो दोस्तों। कनाडा के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं आपको इंफॉर्मेशन ला करके दूंगा दोस्तों, जल्दी से एक सीवी और कवर लेटर बनाओ और उन जॉब्स के लिए अप्लाई करो ताकि आपको मिल सके कनाडा में जॉब, और उसके बाद जो दोस्तों आप उस वर्क वीजा को बदल करके परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ कनाडा के, और उसके बाद सिटीजन बन जाओ कनाडा के, ताकि आप भी एक अच्छी खासी जिंदगी जी सको। इसीलिए दोस्तों वेट करना छोड़ो और जल्दी से जल्दी जो है एक्शन लेना शुरू कर दो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।